ये मेन रोड है अपनी, और मेन रोड पे भीड़ देखो। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज के दिन की शुरुआत करते हैं 11:30 बजे से, और अभी मैं थोड़ी देर पहले उठाऊँ और असीम को तो देखो रेडी होके जा रहा है अपने अपोलो। तो ये देखो, और गाइस देखो आज इसके लग गई है यहाँ पे सिर पे, देखो बहुत बुरी लगी है। हाँ ये आज क्या गिर गया, ये तो देखो लग गई यहाँ पे इसके। आज है जन्माष्टमी, तो आज मंदिर भी जाएंगे, कान्हा जी से मिल के आएंगे, क्योंकि आज कान्हा जी का बर्थडे है। तो कुछ स्पेशल करेंगे, थोड़ा सा जाएंगे, भजन वजन करेंगे, मजे करेंगे, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे कान्हा जी का, तो बहुत मज़ा आने वाला है। चलो ओके गाइस, तो अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए। अभी सारे कपड़े गंदे हो चुके हैं, तो आज मैं सारे कपड़े धोऊँगा, फिर मंदिर भी चलेंगे शाम को, बहुत मज़ा आएगा आज, बहुत इन्जॉय करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे। तो चलो अभी मैं कपड़े धो लेता हूँ। ओके गाइस, तो मैं हो चुका हूँ नहा धो के रेडी। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है आज, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है पूरा, क्योंकि आज कान्हा जी का बर्थडे है ना, तो आज मतलब मौसम भी मेहरबान है पूरा का पूरा, और बहुत प्यारा मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा। और अभी 6:30 बज चुके हैं, तो अभी मैं नीचे जाऊँगा और उसके बाद मैं अभी रेडी होके फिर अपन चलेंगे मंदिर, क्योंकि आज मंदिर बहुत प्यारे सजे हुए होंगे और बहुत प्यारा माहौल होगा वहाँ का, तो काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी मज़ा आएगा वहाँ चल के इंजॉय करने में। और अभी अपन नीचे चलेंगे, कपड़े पहनेंगे, चेंज करेंगे, कुर्ता पजामा पहनेंगे आज, और मंदिर चलेंगे, बड़े मस्ती करेंगे, इंजॉय करेंगे वहाँ पे। गाइस ये मौसम देखो, इधर पूरा ब्लू है और इधर पूरा येलो है, देखो कितना येलो और कितना अलग ही लेवल का कलर दिख रहा है पूरा, और कितने तगड़े लग रहे हैं, डरावने से और अच्छे भी लग रहे हैं, और थोड़े डरावने से भी लग रहे हैं बादल। ये सारे पूरा ब्लू और नॉर्मल है, और ये वाला हिस्सा देखो आप, ऐसे लग रहा है जैसे ज्वालामुखी है। ओके गाइस, तो अभी मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ऊपर बैठने में और मौसम देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। तो अभी अपन चलते हैं नीचे और कपड़े चेंज कर लेते हैं, मुझे भी मेरे कुर्ते पजामे को प्रेस भी करना है, तो प्रेस कर लेता हूँ मैं और फिर रेडी हो जाता हूँ। और अभी जैसे ही शुभम भी आने वाला है अपने पास, शुभम आएगा तो शुभम और मैं निकल जाएंगे आज, और अभी चलेंगे अपन अक्षयपात्र मंदिर में। अक्षयपात्र मंदिर का बहुत प्यारा माहौल होगा आज का, तो बहुत तगड़ा है वाला, और वहाँ पे तो वैसे भी आपको बताना, वहाँ जाने में बहुत सुकून मिलता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ जाना। तो अभी चलेंगे अपन, मज़ा आएगा वहाँ चलने। ओके गाइस, तो अपना चलने का टाइम हो चुका है, अभी अपन चलते हैं मंदिर। सुबह मोर आ चुके हैं, वो लोग रास्ते में आ रहे हैं, तो मैं फटाफट रेडी हो जाता हूँ, कपड़े पहन लेता हूँ, कुर्ते पजामे, और फिर चलते हैं अपन अपने मंदिर में। चलो मैं रेडी होके आता हूँ। ओके गाइस, तो मैं हो चुका हूँ रेडी, और कैसा लग रहा हूँ बता दो, कुर्ता पजामा पहना है मैंने ग्रीन, तो कैसा लग रहा हूँ बता देना, कमेंट कर देना। बाकी अभी अपन चलते हैं मंदिर, और तनु और शुभम आ चुके हैं नीचे, तो अभी फटाफट अपन चलते हैं, और चलते हैं फिर मंदिर, काफ़ी मज़ा आने वाला है आज का, माहौल देखने लायक होगा वहाँ का, तो अभी चलो फटाफट चलते हैं मंदिर। तो गाइस फाइनली नीचे तू गया, जूता तो पहन रहा था, चप्पल ही सही था। तो हम तनु आ गई और शुभम भाई आ गए, शुभम भाई से मिला बहुत दिनों बाद। एक चीज़ हो गई बस, मैं भी कुर्ता पजामा पहन के आना था मेरे को भी यार, ये तो गलत हो गई, इसने बताया नहीं मेरे को पहले इसने बताया नहीं, इसने पाक मेरे को पहना था, बट मैंने पहनने के भी टाइम नहीं मिला। आपने मुझे तो बोला कुर्ता पजामा पहनना, कमी रह गई भाई, चप्पल नहीं पहन के यार, गलत बात है, सही है यार, चप्पल बाकी ज्यादा कंफर्टेबल रहो, मैं कंफर्टेबल नहीं, लुक तो बिगड़ा ना पूरा, सही चुनिया भी उबाना ही पड़ेगा। हां ठीक है, खोल देना वहां जाते इसको, और वहां जाके वैसे चप्पल खुल जाएगी। चले आर यू रेडी एवेंजर्स, चलो गाइस। आज बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये देख लो आज तो यहाँ पे मेन रोड से ही पूरी भीड़ जमा हो गई यहाँ से, आज तो ये मेन रोड है अपनी, और मेन रोड पे भीड़ देखो।
क्या हुआ, अंदर नहीं जा रहे? मैं तो नहीं जाऊँ, मैं तो आ जाऊंगी भगवान से। यही से शुभम भाई बताओ क्या ही बोले भाई, हालत खराब है तो देखो दूर तक 1 किलोमीटर का पैदल चलो घूम जाओ। हमारे एक साथी ने तो वैसे जवान ने जवाब दे दिया है मैं जाने के लिए एकदम आत्मसमर्पण। पहले ही देख के घबरा गई ये दो। तो गाइस इसने तो आत्मसमर्पण कर दिया और इसके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है और या तो टाइम की भारी कमी है इसलिए हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, बाहर से ही ढूंढ के जाना पड़ रहा है। कल तन्नु का एग्जाम है तो हम अंदर नहीं जाएंगे। लोगों में काफ़ी भक्ति भाव बढ़ गया पिछले 1-2 साल में, इतनी भीड़ कभी देखी नहीं पहली थी। जिस तरीके से लग रहा है जैसे लग रहा है दिवाली मन रही है यार। हाँ दिवाली भी फीकी पड़ गई आज तक के नाम में। ऊपर भाई को ओके गाइस तो अभी हम 4 मंदिर तो घूम के आ चुके हैं, मैं और शुभम भाई। तन्नु तो गई अपने घर और अभी हम दोनों ही हैं, तो हम दोनों 4 मंदिर तो घूम के आ चुके हैं और अभी 1 मंदिर जाने की तैयारी और चल रही है हमारी। तो अभी हम फिर अभी 1 दूसरे मंदिर और जाएंगे। अभी प्रसाद तो खा लिया भाई हमने, एक जगह का तो प्रसाद खा लिया। हमारा प्लान यही है कि हम प्रसाद खा के पेट भरेंगे। हम ना रात को सभी मंदिरों में जाके पंजीरी खा के आएंगे, पंजीरी का इकट्ठा करेंगे हम माल फिर बेचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बेचेंगे तो नहीं यार, चलेगी खाऊंगा फिर उनको जीना वगैरह कर दही डाल के। दही और पंजीरी का लगी मजा है खाने का, मतलब सिका हुआ आटा और यार क्या अच्छा लगता है। ओके गाइस तो अभी हम दोनों आए हुए हैं, चाय सुट्टा बाहर बैठे हैं चाय पीने के लिए, चाय पी के फिर निकलेंगे। शुभम को देखो भूख भी लग रही है यार, शुभम को भूख लगने लग रही है। चाय के लिए 10 मिनट बोल दिया, अभी तो 10 मिनट वेट करना पड़ रहा है चाय के लिए। बताओ चेहरे देखो हमारा, दुख दर्द पीड़ा आप इसके फेस पे देख सकते हो गाइस। ओके गाइस तो अभी हम दोनों चाय पियेंगे फिर जाएंगे प्लेट पे खाना खाएंगे और फिर वापस बाहर निकल जाएंगे प्रसादी लेने के लिए। हाँ तो भाई आगे चाहिए हमारी गाइस, तारो तरो ताजा चाय पी के एनर्जी आ जाएगी भाई। ओके गाइस तो फाइनली हमारी चाय आ गई, पूरी रात जागना है, आज करेंगे सत्संग करेंगे भाई। चाय पीर चला 12 बजे बाड़ा से तो बैठ भजन कर ला। ओके गाइस तो फाइनली अभी हम लोग हो गए फिर चाय पी के और आखिरी कस्टमर अभी हम ही थे। शुभम को नींद आना स्टार्ट हो गई, अब नींद के नशे हो रहे हैं गाइस, नींद के नशे। मंदिर जाएंगे फाइनली, हमारा सपना पूरा होगा और हम भजन करेंगे, भजन भजन करो भजन। हम देखेंगे लाइव लाइव टेलीकास्ट ऑफ भजन, भजन तो देखेंगे साथ में, किशन जी का जन्म देखेंगे हम पहली बार देख रहे हैं भाई जिंदगी में यार, ये पहली बार भजन देख रहे हैं। इसके लिए हमने आप नींद भी कुर्बान कर दी हमारी आज। भजन करो भजन, भजन भी करेंगे, देखते कहीं भजन चल रहा होगा भजन भी गाएंगे जाके। ओके गाइस तो अभी हम वापस आ गए मंदिर, थोड़ी देर यहीं बैठेंगे। ओके गाइस तो अभी हम लोग हो गए फ्री, हमने प्रसाद भी ले लिया और आरती भी ले ली, तो अभी हम निकल रहे हैं वापस। अब जाएंगे फ्लैट पे खाना वाना खाएंगे और फिर सोएंगे फिर हैं। नाइट के अंदर नाइट आउट करने का अलग ही मजा है यार, काफ़ी टाइम से सोच रहे थे नाइट आउट करने का और आज मतलब दोनों काम हो गए। और अब तो वैसे फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है तो अब तो घूमना फिरना चलता रहेगा, अपने नवरात्रि आ जाएंगे, गणेश चतुर्थी आ जाएगी, फिर दिवाली आ जाएगी और फिर सबसे प्यारा त्यौहार संक्रांत आ जाएगी। ओके गाइस तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर और अभी ऐसे ही बना रहा है खाना, तो अभी सब बैठेंगे खाना खाएंगे। अभी हमारे इधर बन रहा है दाल चावल, तो दाल चावल खाएंगे और फिर उसके बाद देखते हैं आगे के काम। बाकी आज का ब्लॉग करते हैं यहीं है, उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।